सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। घुसपैठ और आतंकी वारदात में मदद करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने से लेकर खाने पीने और दूसरे इंतजाम करते थे। साथ ही ये पाकिस्तान में हैंडलर्स से लगातार संपर्क में भी रहते थे। साथ ही 50 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो कभी न कभी आतंकियों के संपर्क में आए। आतंकियों के ये मददगार 3 जिलों कठुआ, उधमपुर और डोडा में सक्रिय थे और इन मददगारों को पूरी जानकारी होती थी कि कब और कहां से घुसपैठ होने वाली है। भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने के बाद इन आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की नजरों से बचाकर पहाड़ों पर बनाए गए ठिकानों तक ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं मददगारों की होती थी। ये मददगार आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के बारे में भी तमाम जानकारी उपलब्ध कराते थे। बड़ी खबर इस समय की यही है कि 9 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी चल रहा है। हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने अब कमर कस ली है कि जो भी लोग इन आतंकवादियों की चाहे सीधे तौर पर चाहे दूसरे तौर पर मदद कर रहे हैं उनको अब पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। कभी ना कभी आतंकियों के संपर्क में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। आतंकियों के ये मददगार 3 जिलों कठुआ, उधमपुर और डोडा में सक्रिय थे और इन मददगारों को पूरी जानकारी होती थी कि कब और कहां घुसपैठ होने वाली है और अब इन पर शिकंजा कस रहा है। जून और जुलाई के महीनों में कठुआ, उधमपुर और डोडा जिले में हुए आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों की मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद लतीफ समेत 9 आतंकी मददगारों को यहां पर गिरफ्तार किया है जो लगातार आतंकियों के संपर्क में थे। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ शेल्टर प्रदान करने के साथ साथ खाने का भी यहाँ पर सामान उन तक पहुँचाते थे। इस तरह की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा की है। मोहम्मद लतीफ जो इस पूरे मॉड्यूल का किंग पिन बताया जा रहा है उसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये आतंकियों के मदद में पूरी मदद कर रहा था जिसमें कि पाकिस्तान से कैसे घुसपैठ करनी है, उसके बाद आतंकी हमले वाली साइट तक कैसे पहुंचना है। और ये पूरा प्लान मोहम्मद लतीफ ने इस तरह से तैयार किया जिसमें कि सीसीटीवी कैमरास में कहीं पर भी ये आतंकी यहां पर ना दिखे। इसके अलावा उन आतंकियों को हथियार प्रदान करने के साथ साथ शेल्टर यानी कि वहां तक रहने के लिए पूरा सामान प्रदान किया गया।